आपका जो विश्वास है, जो भी कोई धारणा है, वही आपकी वास्तविकता तैयार करता है, वही आप बन जाते हो। इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 39 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जो भी आपका विश्वास है, जो भी आपका बिलीफ है, जो भी आपकी धारणाएं हैं, वही आप बनते हो। आप वैसा ही व्यवहार करते हो, उस तरह का व्यवहार आप करेंगे, उस तरह का बर्ताव करेंगे, उस तरह का आप होंगे और वैसी रियलिटी, वैसी वास्तविकता आपकी बन जाएगी। वास्तव में वैसा हो जाएगा। आपका जो व्यक्तिगत विश्वास है, वही सच्चाई बन जाती है। जो भी विश्वास, इसलिए विश्वास जो है ना, वो बहुत महत्व का है। कोई एक का विश्वास है कि मैं मेरे देश के लिए काम कर रहा हूँ, तो फिर वर्ल्ड सेंटर के ऊपर हमला कर दिया और पूरा हवाई जहाज अंदर घुसा दिया, क्योंकि उसको लगा कि मैं धर्म के लिए काम कर रहा हूँ, कुछ एक पर्पस के लिए काम कर रहा हूँ। उसका विश्वास है, फिर उसको मालूम है कि हम क्रैश करेंगे अपना हवाई जहाज वर्ल्ड सेंटर के ऊपर, तो मरने वाला हूँ पक्का मालूम है, तभी भी उसने खुद को मार डाला। उसका पूरा विश्वास था कि मैं ये, मतलब ये करना चाहिए करके। लोग धर्म के ऊपर पूरा अंधविश्वास रखते हैं, धर्म के नाम पे कुछ भी कर लेते हैं, और धर्म के नाम पे लोगों को फंसाया जाता है, लोगों को उद्युक्त किया जाता है कुछ करने के लिए, हिंसा करने के लिए उद्युक्त किया जाता है कुछ भी, क्योंकि वो बिलीफ एक बार दिमाग में आ गया कि वैसा हो जाता है। आप बहुत दूर तक नहीं जा सकते हैं यदि आपका कोई गोल नहीं है तो, यदि आपको मालूम ही नहीं है कि आप कौन है। एक तो गोल होना चाहिए कहाँ जाना है, और दूसरा आप मालूम होना चाहिए कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ खड़ा हूँ। मुझे मुंबई जाने का है तो मुझे ये मालूम होना चाहिए कि मैं अकोला में खड़ा हूँ, और फिर मुंबई जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो इंग्लिश में एक अच्छा सेंटेंस है, हाउ डू यू गेट वेरी फार इफ यू डोंट नो हु यू आर। बहुत दूर का रास्ता आप नहीं पार कर सकते, नहीं जा सकते, यदि आपको ये पता नहीं है कि आप कौन है। जो आपको करना चाहिए या जो आप कर सकते हैं, वही तभी संभव है जब आपको मालूम है कि आपके पास में क्या है। इंग्लिश में बोला जाता है इसमें कि हाउ डू यू डू व्हाट यू ऑट इफ यू डोंट नो व्हाट यू हैव गॉट। यदि आपके पास में क्या है या आपको यदि मालूम नहीं है, तो आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा नहीं, या जो कर सकते हैं वो आप कर नहीं पाओगे। और बहुत सारी चीजें आपके पास में यदि सामने हैं, तो आपको यही पता नहीं होगा कि कौन सी उठाने का है। यदि आपको ये पता है कि आपको करना क्या है, वो आपका क्लियर है, तो डेफिनेटली आप वही चीज उठाएंगे जो आपको चाहिए। समझो आप मॉल में जा रहे हैं, और मॉल में तो बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारी चीजें बिकाऊ है, और आपको पता ही नहीं कि आपको खरीदना क्या है, तो भी आप जाके करोगे क्या, सिर्फ घूमेंगे, टाइम पास करोगे, वापस आ जाओगे। सो ऑफ ऑल द थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू, इफ यू डोंट नो विच टू डू, यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं कर पाओगे। यदि बहुत सारी चीजें आपके पास में है और आपके सामने है और आपको पता ही नहीं कि क्या करना है, तो फिर आप जब जाएंगे, आप जब जीवन जी रहे हो, तो फिर आपके पास में सिर्फ मैस रहेंगे, सिर्फ कंफ्यूजन रहेगा, आपके हाथ में कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है कि आपको चाहिए क्या, आप हो कौन, आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ खड़े हो। तो यदि आपको जिंदगी में बहुत दूर तक जाना है, जिंदगी में पीसफुल हैप्पी लाइफ जीना है, मजेदार जिंदगी जीना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप हो कौन, आप कहाँ खड़े हो, आपको जाना कहाँ है, आपको चाहिए क्या, और ये चीज़ें आपकी आपको पता होंगी तो डेफिनेटली वो चीज़ आपको मिलेगी। जो भी चीज़ आपको चाहिए, जो भी क्लियर गोल्स आपके सामने हैं, जो भी आप हो, इसके ऊपर आपका यदि स्ट्रांग बिलीफ है कि नहीं ये तो होगा ही, ये मेरा विश्वास है, मैं कौन हूँ ये मेरा विश्वास है, मुझे क्या चाहिए मेरा पक्का विश्वास है, क्लियर है, तो फिर जो आपको चाहिए वो आपको पक्का मिलेगा ही मिलेगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।